देवी दुर्गा का एक ऐसा मंदिर जहां वो कन्या के रूप में पूजी जाती है। ये कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक उनका विवाह शिवजी के साथ हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि उनका विवाह तो हो चुका है शिवजी के संग, मतलब पार्वती जी का विवाह तो हो चुका है, लेकिन कन्याकुमारी की कथा थोड़ी अलग है। जहां ये मान्यता है कि जिस देवी की कन्या के रूप में पूजा हो रही है वो माँ दुर्गा का एक अंश है और कलयुग के अंत तक उनका शिवजी के संग विवाह होगा। आइए जानते हैं कन्याकुमारी की ये अद्भुत कहानी। कहते हैं कि राक्षस बाणासुर ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया और कहा, कुमारी कन्या के अतिरिक्त तुम सबसे अजेय रहोगे। अमृत्व का यह वरदान पाकर राक्षस बाणासुर त्रिलोक में उत्पात करने लगा। उसके उत्पात से पीड़ित देवता भगवान विष्णु जी के शरण में गए। भगवान ने उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया। देवताओं के यज्ञ करने पर यज्ञ कुंड की अग्नि से देवी दुर्गा जी का एक अंश कन्या रूप में प्रकट हुआ। प्रकट होने के बाद देवी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए दक्षिण समुद्र तट पर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने उनका पाणि ग्रहण करना स्वीकार कर लिया। देवताओं को यह देखकर चिंता हुई कि यदि देवी का विवाह हो गया तो बाणासुर का अंत नहीं हो सकेगा। तब देवताओं की प्रार्थना पर देवर्षि नारद ने विवाह के लिए आते हुए भगवान शंकर को सुचिंद्रम स्थान पर इतनी देर तक रोक लिया कि विवाह का शुभ मुहूर्त ही टल गया। मुहूर्त टल जाने पर भगवान शिव वहीं स्थाणु रूप में स्थित हो गए। विवाह के लिए प्रस्तुत अक्षत इत्यादि समुद्र में विसर्जित हो गए। कहते हैं कि वे तिल, अक्षत, रोली अब रेत के रूप में मिलते हैं। देवी फिर तपस्या में लग गई। बाणासुर ने देवी के सौंदर्य की प्रशंसा सुनी। वह देवी के पास गए तथा उनसे विवाह करने के लिए हट करने लगे। इस कारण देवी से उनका युद्ध हुआ। युद्ध में देवी ने बाणासुर को मार डाला। कहा जाता है कि देवी का भगवान शिव के साथ कलयुग बीत जाने पर विवाह संपन्न होगा। कई द्वारों के भीतर जाने पर कुमारी देवी के दर्शन होते हैं। देवी की यह मूर्ति प्रभावोत्पादक तथा भव्य है। देवी के एक हाथ में माला, सब पर देवी का हीरा आदि रत्नों से श्रृंगार होता है। यह मंदिर सागर के दाईं ओर स्थित है जो पार्वती जी को समर्पित है। यहाँ सागर की लहरों की आवाज स्वर्ग के संगीत की भांति सुनाई देती है। यहाँ आने के लिए शिप से सफर करना होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ वही जाते हैं। देश विदेश के पर्यटकों से भरे इस मंदिर में किसी भी चीज को छूने की परमिशन नहीं है। मंदिर के छोर पर खड़े होकर आप दो सागरों को मिलते हुए देख सकते हैं। ध्यान से देखने पर आपको दो सागरों का रंग भी अलग अलग नजर आएगा। बता दें कि यह मंदिर का पूरी प्रकाश द्वार हमेशा बंद रखा जाता है क्योंकि मंदिर में स्थापित देवी के आभूषणों की रोशनी से समुद्री जहाज इसे लाइट हाउस समझने की भूल कर बैठते हैं और जहाज को किनारे करने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कन्याकुमारी मंदिर के उत्तर अग्रहार के बीच में भद्रकाली का मंदिर है। ये कुमारी देवी की सखी मानी जाती है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ देवी सती का पृष्ठ भाग गिरा था। यहाँ पर प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी स्थित है। स्वामी विवेकानंद जब कन्याकुमारी आए तब समुद्र में तैरकर उस शिला तक पहुँच गए। साधारण यात्री ऐसा साहस नहीं कर सकते। उस शिला पर 3 दिन निर्जल व्रत करके वे बैठे और आत्मचिंतन करने लगे। फिर नौका द्वारा उन्हें लाया गया। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर कन्याकुमारी ने भी तपस्या की थी। इस स्थान को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। संत तिरुवल्लुर की 133 फीट ऊंची मूर्ति। भारतीय उपमहाद्वीप कन्याकुमारी के दक्षिणी सिरे पर संत तिरुवल्लुवर की 133 फुट लंबी प्रतिमा बनाई गई है जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। 133 फुट यानी कि तिरुकल्लुरल के 133 अध्याय या अधिरात्यम का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी 3 अंगुलियां अरम, पोरुल और इन बग नामक 3 विषय अर्थात नैतिकता, धन और प्रेम के अर्थ को इंगित करती हैं। संत तिरुवल्लुवर ने लोगों को बताया कि एक व्यक्ति गृहस्थ या गृहस्थ स्वामी का जीवन जीने के साथ साथ एक दिव्य जीवन या शुद्ध और पवित्र जीवन भी जी सकते हैं। कन्याकुमारी में कुदरत की एक और अनूठी चीज है जो टूरिस्ट को यहाँ पर बहुत आकर्षित करती है। यह अनूठी चीज है चांद और सूरज का एक साथ नजर आना। पूर्णिमा के दिन यह नजारा देखने को मिलता है। दरअसल पश्चिम में सूरज को अस्त होते और उगते चांद को देखने का एक अद्भुत संयोग केवल यही मिलता है। यकीनन यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि इसे देख पाना एक अलग ही तरीके का रोमांच है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय देवी कन्याकुमारी।